हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनसेन गेमर में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुल सेटअप वीडियो जो होने वाला है बारोटो एक्स नारोटो या फिर नारोटो एक्स बारोटो का वीडियो गेम, जो कि हम लोग स्विच एमुलेटर जो कि एडन एमुलेटर है उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एडन एमुलेटर को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है एडन ऑप्टिमाइज्ड वाला, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये अलाउ करने के लिए बोलेगा तो हम इसे अलाउ कर देंगे। उसके बाद ये इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देगा, बोलेगा वेलकम। ठीक है, उसके बाद हमको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, ये बोलेगा कि नोटिफिकेशन का परमिशन चाहिए, तो आप दे भी सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट कर लेंगे। तो मैं नेक्स्ट करके स्किप कर देता हूँ। उसके बाद ये बोलेगा कि इसे की की आवश्यकता है, मतलब ये बोलेगा कि की की ज़रूरत है। तो हमको क्या करना है, प्रॉड डॉट कीज़ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपने रखा होगा उस फोल्डर में चले जाएंगे। मैंने अलग से फोल्डर बना के रखा हूँ कीज़ का, तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद बोलेगा कि ये फर्मवेयर इसमें इंस्टॉल करो, तो फर्मवेयर ये बोल रहा है 19.01 वाला या फिर उसके नीचे का, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रखा हूँ, ये रहा फर्मवेयर, तो इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल वही वाला है सेम। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेगा ये फर्मवेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर फर्मवेयर इंस्टॉल करने लग जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बोलता है कि गेम को ऐड करो या फिर ऐसे फोल्डर को सिलेक्ट करो जिसमें आपने गेम रखा हुआ है, तो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मैंने इसके लिए रूम्स की एक फाइल बना के रखा हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, यूज़ दिस फोल्डर करके अलाउ कर दूँगा। डीप स्कैन में क्लिक करने के बाद ओके कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस आ गया है ना, तो आप देख सकते हैं हमारा जो गेम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल यहाँ पे हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो गेम्स इंस्टॉल हो गए हैं, एक नारुतो वाला और दूसरा स्ट्रे। तो हम सेटिंग देख रहे हैं नारुतो के लिए, ठीक है, नारुतो एक्स बारुतो, तो होल्ड करके रखना है इसके ऊपर। उसके बाद ये बोलेगा कुछ सेटिंग इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले GPU ड्राइवर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो GPU ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल कॉल ऑप्शन है, उसे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपको जहाँ पे भी आपने ड्राइवर्स वगैरह रखे हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आपके लिए बेस्ट लगे उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी, सिस्टम में जाना है, तो जो सेटिंग है इसको 125 या 120 ऐसे रखना है। लो एंड डिवाइस है तो आप 150% भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफिक्स में चले जाना है। ग्राफिक्स में जाने के बाद आपको यहाँ से इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो स्ट्रेच टू विंडो पे कर देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, बस इतना ही आपको करना था, और बैक हो जाएंगे और आपका गेम चलने के लिए रेडी हो गया है। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ, और आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को फुल वॉच करना है। Thank you.
Amaterasu. Better back up. Better back up. Come on. See? There. Here I come. See? Better back up. Fire stop. Here I come. Fire stop. Come on. See? There. Amaterasu. Here I come! See! Over here! Better back up! Here I come! Here I come! Here I come! Here I come! Better back up! Fire stop! Fire! Because you're lacking in hatred. Can't you defend?
Can't you defend? Yeah. Can't you defend? Yeah. Hey, right here. Yeah. Hey, right here. Hey, right here. Can't you defend? Yeah. Hey, right here. The victor has been decided. Yeah. Yeah. Round two. Begin. Let's go. Over here. Yo. Hey, right here. Let's go. Yeah. Asenda. Sage of Mount Miyoboku. That's me. The victor has been decided. That's enough.